देश में कांग्रेस की कमजोरी का कारण क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी की ताकत नहीं थी कि हमें शिकस्त दे पाए, लेकिन इन दो दलों ने, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने, हमारे वोट बैंक पे जब सेंध लगाई तो नारा तो यही दिया कि ये और बड़े धर्म निरपेक्ष हैं, लेकिन जिस दिन से ये तंदुरुस्त हुए उसी दिन से भाजपा भी तंदुरुस्त होना। देखा आपने कैसे कांग्रेस उपचुनावों से पहले सपा और बसपा के खिलाफ बिगल फूंक रही है। दरअसल ये बयान है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री का, जो कह रहे हैं कि पहले सपा और बसपा को मिटाना है। ये पार्टियां जब ऊपर उठी तभी बीजेपी आगे आई। बीजेपी ने हमें मात नहीं दी बल्कि हमारे वोट बैंक में सेंध सपा और बसपा ने लगाई है। बता दें कि फिल्म अभिनेता और राज्यसभा सदस्य राज बब्बर के स्थान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने के लिए अजय कुमार लल्लू शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे। जमीनी और साधारण कार्यकर्ता की अपनी छवि को वह प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी बरकरार रखना चाहते हैं। भारी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं के बीच अजय कुमार लल्लू ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेता पीएल पुनिया, निर्मल खत्री, प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा भी मौजूद रहे। हालांकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पदभार संभालने के बाद अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यूपी में कांग्रेस शोषित, वंचित, किसानों, नौजवानों और महिलाओं की आवाज बनेगी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी के प्रति, हमारे नेता, हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय राहुल गांधी जी के प्रति और राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के प्रति आभार, अभिनंदन, नमन और वंदन करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी निर्वहन करने का मौका दिया। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।